और शाम के 6 बज रहे हैं और हम आ चुके हैं इंडिया गेट के बहुत पास। हालांकि क्यों आए आपको ये थंबनेल से तो मालूम ही चल गया होगा। पहले हमने राजीव चौक से चेंज किया और वहां से येलो लाइन से यहां पर आए। अभी कुछ देर पहले हम वहां थे, अब यहां पर हैं। और जिस जगह पे हम हैं, इस जगह का नाम पहले 3 दिन पहले राजपथ था, पर इस समय इसका नाम हो चुका है कर्तव्य पथ। क्यों है आइए बात करते हैं। और यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है जो कि अभी 2 दिन पहले यहाँ पे हुआ था। ऐसे छोटे छोटे स्टेज बनाए गए हैं, बाकी काफी भीड़ है, हम ही अकेले नहीं, बहुत लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, ऐसे छोटे छोटे स्टेज बनाए गए थे। मैंने पता किया तो पता चला कि रात में यहाँ पे अलग अलग राज्यों से कुछ कलाकार आए हैं जो यहाँ पे आज अपना कार्यक्रम दिखाएंगे और अपने राज्य को यहाँ प्रस्तुत करेंगे। हर तरह के लोग हैं। चलिए कुछ देर बाद देखते हैं इसको। 1943 को पहली बार भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बेमिसाल योगदान को, उनके अदम्य साहस भरे प्रेरक जीवन को समय के साथ उस तरह याद नहीं किया गया जिसके वो हकदार थे। वर्ष 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने नेताजी के जीवन और संदेश नई पीढ़ी तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध प्रयास किए। उनके नेतृत्व में भारत सरकार ने नेताजी के परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया। नेताजी के अंडमान निकोबार की ऐतिहासिक यात्रा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अंडमान स्थित हैवलॉक द्वीप को स्वराज, नील द्वीप को शहीद और रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का नाम दिया। लाल किले में नेताजी को समर्पित संग्रहालय और कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में विप्लवी भारत गैलरी बनाई। और दोस्तों, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं या जिस ट्रैक पे हम लोग चल रहे हैं, इस जगह का कुछ दिन पहले नाम था राजपथ और आज इसका नाम हो गया है कर्तव्य पथ। हालांकि हर इंडियन ने इसको 26 जनवरी के दिन जरूर अपने टीवी पे देखा होगा, क्योंकि यहीं पे हमारे देश का गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और कुछ देर आगे बढ़ते ही हमने फिर देखा कि हमें एक और स्टेज मिल गया है देखने के लिए। हालांकि अभी एक कार्यक्रम रात में होगा। और दोस्तों, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे क्या दिखा मैं सोच भी नहीं सकता था। हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक नया टनल बना है जिसे हमें पार करके उस पार जाना है, ना कि रोड क्रॉस करने की ज़रूरत पड़ेगी। रास्ता ये आप मेरे सामने देख सकते हैं मेरे वीडियो के थ्रू। बाकी बहुत खूबसूरत है, पूरे लाल पत्थरों द्वारा बनाया गया और काफ़ी भीड़ है। आप देखिए कितने लोग हैं आज यहाँ पर इसे देखने के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ये बना है। बाकी आगे जैसे हम बढ़ रहे थे, हमें देखने को क्या मिला, ये यहाँ का पूरा मैप है पूरे राजपथ जिसका नाम अब कर्तव्य पथ हो गया है। और पहले कैसे 26 जनवरी पे गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ पे सारी पिक है पहले की, और कैसे मैप है, क्या क्या यहाँ आसपास पड़ता है, कैसे रूट है, क्या यहाँ मतलब इस जगह की क्या खासियत है, ये सब यहाँ दर्शाया गया है। आप ये भी कह सकते हैं कि इस छोटे से, मतलब देखिए यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, ये कैसे कैसे सारे भवन हैं यहाँ पे दर्शाए गए हैं, ये भी आप कह सकते हैं कि इस टनल के नीचे पूरे दिल्ली का एक छोटा सा मॉडल दर्शाया गया है जो कि हिंदी इंग्लिश में दोनों, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि बहुत से फॉरेनर भी यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए। इसके लिए यहाँ पर हर उस चीज़ का ध्यान दिया गया है। और कैसे मतलब यहाँ पे सुविधा कुछ बढ़ाई गई है, पहले क्या था कि यहाँ पे घास जो थी उसका उसमें पानी लग जाता था तो रुक जाता था, अब यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, छोटे छोटे कैनल टाइप के बनाए गए हैं कि बारिश अगर बहुत ज़्यादा होती भी है तो पानी आराम से निकल जाता है। हालांकि आप सामने मेरे देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मतलब पूरा बताया गया है। आप आइए यहाँ पे, समय दीजिए, पढ़िए, देखिए पहले इंडिया गेट कैसा दिखता था, अब कैसा दिख रहा है, ये सब मतलब दिखाया गया है। पहले इंडिया गेट के पास आप नहीं जा सकते थे, पर आप बहुत करीब जा सकते हैं, पिक ले सकते हैं, और यहाँ पे मैप के थ्रू भी बताया गया है। हालांकि अब चलते हैं बाहर और कुछ इस तरह ये टनल यहाँ दिखता है। यहाँ पे देखिए दीवारों की मतलब ऊपर
लाइट लगाया गया है जो कि रात में बहुत अच्छा व्यू आएगा। तो चलिए चलते हैं आगे, फिर मैं दिखाता हूँ उसके बाद। फिलहाल हम लोग अभी वहाँ थे, अब यहाँ आ चुके हैं, रोड क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और इस समय मैं और कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये देखिए यहाँ पे जो घास वगैरह ये लगी है उनको फिर से लगाया गया है, नए तरीके से लगाया गया है। अब मतलब यहाँ पे पानी वगैरह बारिश में लगेगा तो पानी आराम से निकल सकता है, क्योंकि इसके नीचे कैनल टाइप का छोटा छोटा सा बनाया गया है जिसके पानी द्वारा निकल रहा है। बहुत अच्छा है, चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा के अनावरण के साथ ही देश के गौरवशाली इतिहास में एक नए स्वर्णिम अध्याय का सृजन कर 101 एकड़ भूमि पर हरियाली से आच्छादित लॉन आज कर्तव्य पथ की शोभा में चार चांद लगा रहे हैं। और दोस्तों ये अब जो लाल वाला पत्थर देख रहे हैं ये वॉकिंग के लिए बनाया गया है, जो कि मैं अभी आपको बता रहा था कि यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें चेंजेस की गई है वो भी है इसके अंदर। हालांकि अभी हमें आगे बढ़ना है, और ये देखिए अभी हमें पीछे जब हम थे तो वहाँ पे हम नीचे टनल के थ्रू चले गए थे, पर यहाँ पे हमें बैरिकेडिंग पार करके उस पार जाना है। तो चलिए चलते हैं आगे, और इंडिया गेट के बहुत करीब आ चुके हैं हम लोग। और ये देखिए मेरे सामने आप इंडिया गेट के मतलब बहुत करीब आ चुके हैं, जैसे जैसे इंडिया गेट के मैं करीब जा रहा हूँ मेरी धड़कनें और बढ़ रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी यहाँ पे होते तो मतलब बहुत अच्छा महसूस करते, बहुत पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पे आ रही हैं, बहुत खूबसूरत माहौल इस समय यहाँ पे है। ऐसा लग रहा है कि जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी का कार्यक्रम चल रहा है। और ये देखिए जैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे थे यहाँ पे तीसरा स्टेज मिल गया है हमें, जहाँ पे कार्यक्रम मतलब कुछ देर में यहाँ स्टार्ट होने वाला है। हालाँकि धीरे धीरे अब अंधेरा हो रहा है यहाँ पर। जैसे जैसे इंडिया गेट के हम लोग करीब आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं भीड़ बहुत काफ़ी है, हर तरह के वर्ग के लोग यहाँ पे हैं, यंग भी हैं, चाइल्ड भी हैं, ओल्ड भी हैं, सब तरह के लोग यहाँ पे हैं। इंडिया गेट की तरफ जाने के लिए सभी यात्री ऊपर हैं, उधर ही जाकर फोटो ले लो। आप सभी से रास्ता है इंडिया गेट की तरफ जाने के लिए सभी यात्री ऊपर हैं, आपके दोनों तरफ। यहाँ से फिर हमें टनल के थ्रू ही जाना है, और फिर एक और आ चुका है तो चलिए चलते हैं। देखिए रास्ता यहाँ से नीचे ये यहाँ से हमें टर्न करना है, और यहाँ पे देखिए भीड़ देखिए आप मेरे सामने, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग आए हैं, सबको देखना है आज यहाँ पे कार्यक्रम। बाकी बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पे मतलब बहुत ही एक अलग सा है, थोड़ा सा अंधेरा हो गया, देखिए अंदर कैसे लाइटिंग है इस समय। और फाइनली दोस्तों जो चीज़ मतलब जिस चीज़ के लिए हम लोग 3 किलोमीटर चल के यहाँ पर तक आए थे उसको देखने के लिए तैयार हो जाइए। और ये रहा हमारा इंडिया गेट जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है, 3 कलर में आज इसको ढका गया है, रंगा गया है, दर्शाया गया है। और यहाँ पे सबके हाथों में मोबाइल है, भीड़ देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे भीड़ और भी हो रही है। आगे जब स्टैचू के पास पहुँचेंगे जब वो सामने दिख रहा है वहाँ तो काफ़ी भीड़ होगी, क्योंकि आज उसी चीज़ के लिए यहाँ पे लोग आए हैं, सुभाष चंद्र जी के स्टैचू के लिए ही यहाँ पे लोग आए हैं। फॉरेनर भी हैं यहाँ पे, बहुत दूर दूर से हैं, मुझे साउथ के भी लोग यहाँ पे देखने को मिले हैं, बहुत से ब्लॉगर भी आए हैं, और कुछ इस तरह है इंडिया गेट अपना। चलिए आगे चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको इंडिया गेट। और जिस घड़ी का इंतज़ार था आप लोगों को मैं समझ सकता हूँ आप क्या देखने चाहते थे मेरे ब्लॉग में, और वो आ चुका है। यहाँ पे देखिए आज तो सुभाष चंद्र जी की सेल्फी इतनी ली जा रही है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। हालांकि हर उम्र के लोग यहाँ पे देखिए एक्टिव हैं, आज बहुत भीड़ है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, और मतलब अलग ही एक तरह का यहाँ पर महसूस हो रहा है माहौल इस समय जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए सुभाष चंद्र जी का यहाँ पर जो जिस पार्क में स्टैचू लगाया गया है ये सामने हमारे सुभाष चंद्र जी हैं, नेता सुभाष चंद्र बोस। हालांकि आप लोग देख सकते हैं सामने सेल्फी लेने के लिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, और काफ़ी सुंदर पार्क बनाया गया है ये छोटा सा यहाँ पे। और अब हम चल रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मतलब कुछ पुरानी चीज़ों को फिर से मतलब हटाया नहीं गया, उनको मॉडिफाई किया गया है, और यहाँ पर हिसाब से आना पड़ेगा क्योंकि इन पत्थरों के बीच में गैप है, अगर मोबाइल गिर गया तो पानी में चला जाएगा।
हालांकि मेरे पास तो आईफोन है तो कुछ देर बच जाएगा सामने का दृश्य। अरे यार क्या मतलब क्या दृश्य लग रहा है यार, बहुत तड़ा आता है। अच्छा आइए इसको टाइमलेस वीडियो में मैं कवर करता हूँ और कैप्चर करता हूँ, हालांकि ये इंडिया गेट ठीक सामने। यहाँ पे मतलब बैठने के लिए लोगों का बहुत ध्यान दिया गया है, पेड़ के यहाँ लाइट वगैरह लगाई गई है, मतलब इसको जितना सुंदर कर सकते हैं इतना सुंदर है यार। यहाँ पे आने पे लगेगा आपको जैसे फॉरेन में मूवी की शूटिंग होती है ना कभी कभी आप देखेंगे। हालांकि यहाँ पे आगे चलते चलते हर कोने पे डस्टबिन रखा गया है, सूखा गीला दोनों, तो उसका ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गंदगी ना करिएगा। इस एरिया में लाइट का बहुत ध्यान दिया गया है चारों तरफ आप देखेंगे तो, ये देखिए नीचे ब्लू लाइट लगाया गया है, पेड़ों के पास लाइट लगाया गया है। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बैठने के लिए बहुत ध्यान दिया गया है, मतलब बहुत ही तगड़ा है। यहाँ पे आप आएंगे तो एक अलग ही इन्वायरमेंट पाएंगे। चलिए हालांकि वहाँ पे डांस होता है, वहाँ चलते हैं।